तो मैं क्या बता रहा था पहले आप लोगों को कि हमारे पास होता इस तरह से है कि आपके पास बेसिकली कितने ये फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम जब आप बोलते हो फ्रॉम टेबल का नाम, तो वो क्या करता है सर? पहले वाला ही समझाए, पहले वाला ही समझा रहा हूँ। तो हमारे पास क्या करता है फ्रॉम, क्या करता है आपके पास फ्रॉम जो आपका करता है जब आप बोलते हो फ्रॉम और टेबल का नाम, तो वो क्या करता है कि वो आपका जिस टेबल, मतलब आपने बोला कि फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, तो ये फ्रॉम क्या करेगा, स्टूडेंट का टेबल उठा लेगा। फ्रॉम क्या करेगा, स्टूडेंट का टेबल उठाकर अपने पास रखेगा। अब बोलेगा, अब वो आके फ्रॉम देखेगा सिलेक्ट में इसने क्या मांगा है। अब फ्रॉम देखेगा सिलेक्ट में इसने क्या मांगा है, अगर तो सिलेक्ट में वो स्टार देखेगा तो वो क्या करेगा, वो सबके सब कॉलम्स पकड़ा देगा। अगर वो यहाँ पे स्टार की बजाय कॉलम्स के नाम देखेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ कॉलम्स की हेडिंग पकड़ा देगा। इसको कुछ यूं इस तरह से समझो कि आप एक आप फ्रॉम का काम कर रहे हो, ठीक है, आप फ्रॉम का काम कर रहे हो, आप डेटाबेस में फ्रॉम का काम कर रहे हो। आपसे मैं बोलता हूँ कि यार वो टेबल तो उठाना, या यार वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो उठाना, मतलब मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठाओ, आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठा लिया, या मैंने बोला कि स्टूडेंट का रजिस्टर उठाओ, आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स पड़े हुए हैं, हर रजिस्टर में अलग अलग किस्म के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए एक अलग रजिस्टर है, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड के लिए एक अलग रजिस्टर है, टीचर्स के रिकॉर्ड के लिए एक अलग रजिस्टर है। तो मैंने आपको बोला कि रजिस्टर उठाओ स्टूडेंट का, मैंने आपको बोला स्टूडेंट का रजिस्टर उठाओ, तो वो आपने क्या किया समझो, आपने फ्रॉम का काम किया, आपने स्टूडेंट का रजिस्टर उठा लिया, फ्रॉम मतलब फ्रॉम स्टूडेंट का रजिस्टर, आपने स्टूडेंट का रजिस्टर उठा लिया। यहाँ पे फ्रॉम ने क्या किया, स्टूडेंट का टेबल उठा लिया, फ्रॉम ने क्या किया, स्टूडेंट वाला टेबल उठा लिया। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है टेबल और रजिस्टर से। वहां पे अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में चले तो वहां पे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पे टेबल्स होते हैं। तो आपने क्या किया, टेबल उठा लिया फ्रॉम ने, इसका फ्रॉम ने स्टूडेंट के नाम का टेबल उठा लिया। अब हमने फ्रॉम को बोला कि अब फ्रॉम देखेगा कि इसने मांगा क्या क्या था। फ्रॉम देखेगा, फ्रॉम जाएगा सिलेक्ट के पास, फ्रॉम सिलेक्ट के पास बोलेगा बताओ इसने क्या क्या मांगा था, सिलेक्ट क्या बोलेगा, एस्ट्रिक। अगर सिलेक्ट ने एस्ट्रिक बोला तो वो सारे के सारे कॉलम्स पकड़ा देगा। अगर सिलेक्ट ने एस्ट्रिक की बजाय बोला होता एस नेम, तो वो क्या करता, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पकड़ाता एस नेम वाला। अब समझ में आ गया? अब सबको समझ में आया, क्लियर है? कम ऑन रिस्पॉन्स मैन। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगली स्टेटमेंट पर, ठीक है। अब जब अगली स्टेटमेंट पर मैं आता हूं तो अगली स्टेटमेंट में अब यहां से देखो, फ्रॉम की कमांड को, फ्रॉम की कमांड को मैंने कितने टेबल उठाने का बोला, दो टेबल्स उठाने का बोला। फ्रॉम को मैंने बोला एस इन्फो का टेबल भी उठाओ कॉमा, और एस स्टूडेंट का टेबल भी उठाओ। अब यहाँ पे ये ब्लैक एरो आपको दिख रहे हैं, फ्रॉम ने कितने टेबल उठाए, फ्रॉम ने एक टेबल उठाया एस इन्फो का, फ्रॉम ने दूसरा टेबल उठाया कौन सा, स्टूडेंट इन्फो का, स्टू इन्फो का। ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया फ्रॉम का काम? ये लाइन समझ में आ गई फ्रॉम की? फ्रॉम ने क्या किया, दो टेबल्स उठा लिए। जैसे वहां पे हमारे पास पहले सिलेक्ट वाली क्यूरी में क्या था, फ्रॉम ने एक टेबल उठाया था, अब फ्रॉम ने कितने टेबल्स उठा लिए, दो टेबल्स उठा लिए। क्लियर है? सबको समझ में आया? आगे चलें। कम ऑन रिस्पॉन्स, सिर्फ एक जने का आया, एक जने को समझ में आया क्या सिर्फ? सही है। तो आगे इसके बाद अब फ्रॉम किससे तक, सर लास्ट वाला बताएं। अच्छा, लास्ट वाला क्या था, एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ। फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम को हम लोग, फ्रॉम समझ लो एक सेकंड के लिए तहा, अब एक सेकंड के लिए समझो, अब एक सेकंड के लिए तुम अपने ऊपर एग्जांपल लो, तुम फ्रॉम हो, सही है? तहा तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम फ्रॉम हो, तुम फ्रॉम वाला काम करते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला, मैंने बोला कि स्टूडेंट का रजिस्टर उठाओ, तुमने स्टूडेंट का रजिस्टर उठा लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट का रजिस्टर उठाओ, तो तुमने स्टूडेंट का रजिस्टर उठा लिया। अब तुम्हारा सवाल क्या होगा, सर स्टूडेंट के रजिस्टर में स्टूडेंट्स के सरनेम भी है, लास्ट नेम भी है, उनका एड्रेस भी है, उनका कोर्स भी है, उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है।
आपको क्या चाहिए, आपको मैं क्या बताऊं? अगर मैं बोल देता हूं स्टार, तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे हर चीज बताओगे। अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पे स्टार की बजाय एस नेम, तो तुम क्या करोगे? उस टेबल के अंदर जिस भी कॉलम की हेडिंग एस नेम होगी, सिर्फ वो बताओगे। ओके, अब उसके आगे, अब आगे वाला समझ अब इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे में क्या होता है हमारे पास? अब यहाँ पे मैंने फ्रॉम को बोला कि दो रजिस्टर उठाओ, मतलब के दो टेबल उठाओ, इन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का टेबल उठाओ, कॉमा कॉमा दे के मैंने क्या बोला, स्टूडेंट का टेबल उठाओ। अब यहां से इसने दो टेबल उठा लिया फ्रॉम ने। फ्रॉम ने कितने टेबल उठा लिए? यहां पर दो टेबल उठा लिए। ये चीजें समझ में आ गई। और ये देखो, ये मैंने एरो से शो किया है, एक फ्रॉम ने टेबल उठाया यहां से ये वाला, और इस टेबल की हेडिंग क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट इन्फो का टेबल है। और दूसरा टेबल उसने कौन सा उठाया, स्टूडेंट का टेबल, और ये रहा हमारा ब्लैक एरो जिसकी हेडिंग यहाँ पर है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है। यहां तक समझ में आ गया सबको? तहा समझ में आया? तो यहाँ पे फ्रॉम ने कितने टेबल उठाए, दो टेबल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि फ्रॉम किससे कांटेक्ट करता है कॉलम्स के नेम जानने के लिए, फ्रॉम किससे राब्ता करता है दिखाने के लिए? फ्रॉम का काम है सिर्फ टेबल्स को उठा लेना। फ्रॉम का काम है क्या, सिर्फ टेबल्स को उठा लेना। बाकी फ्रॉम को कौन बताता है कि तुम्हें उस टेबल में से कौन कौन से कॉलम दिखाने हैं, कौन कौन से नहीं दिखाने, वो कौन बताता है? कम ऑन, रिस्पॉन्स। हम तो बताते हैं, पर क्लास कौन सा होता है, कौन सा क्लॉज यूज करके बताते हैं? कौन सा क्लॉज यूज करते हैं बिलाल? वेयर का क्लॉज क्यों यूज करते हैं बच्चा? वेयर का क्लॉज तो सिर्फ कंडीशन के लिए होता है ना, वेयर का क्लॉज कंडीशन के लिए होता है, सिलेक्ट के, बिल्कुल सिलेक्ट। अब इधर देखो, यहां पे इस वाली एग्जांपल को फिर से एक दफा देखो। फ्रॉम ने टेबल उठा लिए, अब फ्रॉम किसके पास जाएगा? फ्रॉम पूछेगा सिलेक्ट के पास। फ्रॉम का काम था सिर्फ टेबल को उठा लेना। फ्रॉम ने टेबल को उठा के अपने हाथ में पकड़ लिया। अब फ्रॉम पूछेगा सिलेक्ट के पास, अब फ्रॉम जाएगा सिलेक्ट के पास, बोलेगा हाँ भाई बताओ मुझे कौन कौन से कॉलम्स दिखाने हैं। सिलेक्ट ने अगर बोल दिया एस्ट्रिक, सिलेक्ट ने अगर बोला स्टार, तो फ्रॉम क्या करेगा, तो क्या करेगा एसक्यूएल, सारे के सारे टेबल दिखाएगा। अगर तो यहां से आ जा, अगर ये आ जाता एस्ट्रिक की जगह खाली कॉलम नेम, तो वो सिर्फ कॉलम नेम दिखाता। ये चीज क्लियर है? तो अब यहां से ये फ्रॉम किसके पास कांटेक्ट करेगा कॉलम नाम, कॉलम के जानने के लिए? सिलेक्ट के पास जाएगा। अब सिलेक्ट के पास जाएगा, तो अब मैं सिलेक्ट में पहला कमांड क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट के टेबल से। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टूडेंट के टेबल में से एस नेम को उठाओ। अब ये देखो, स्टूडेंट के टेबल में से कौन सा उठ रहा है, हमारे पास एस नेम उठ रहा है। ये रहा हमारे पास एस नेम उठ रहा है स्टूडेंट के टेबल में से। मैंने बोला स्टूडेंट का टेबल है डॉट, स्टूडेंट का टेबल मतलब ये स्टूडेंट का टेबल, उसमें क्या मैंने बोला डॉट, डॉट लगा के मैंने बोला क्या उठाओ, एस नेम उठाओ, मतलब स्टूडेंट के टेबल में से एस नेम उठाओ। ये चीज क्लियर है? फिर मैंने बोला उसके आगे मैंने क्या दिया, यहां पे कॉमा है, कॉमा दिख नहीं रही हमें, पर यहाँ पे कॉमा है, इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक कॉमा है, सही है? तो अब यहाँ पे मैंने एक कॉमा दी, और फिर मैंने बोला क्या, एक सेकेंड, ये देखो ये मैंने क्या दिया यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉमा है। कॉमा के बाद मैंने क्या बोला, एस इन्फो के टेबल में से ईमेल को उठाओ, एस इन्फो के टेबल में से ईमेल को उठाओ। अब हमारे पास, अब हमारे फ्रॉम के पास दो टेबल सिलेक्टेड थे, फ्रॉम के पास दो टेबल सिलेक्टेड थे, तो अगर फ्रॉम के पास दो टेबल हैं, तो फ्रॉम को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम किस टेबल में देखे। अगर एक टेबल होता तो फ्रॉम को नहीं बताना पड़ता कि कौन से टेबल में कॉलम देखो। अगर इसकी एग्जांपल तुम लोगों को, फिर वही रजिस्टर वाली बताता हूं। तुम मैंने तुम्हें बोला कि स्टूडेंट का रजिस्टर भी उठा लो और इम टीचर्स का रजिस्टर भी उठा लो, स्टूडेंट का रजिस्टर भी उठा लो, टीचर्स का रजिस्टर भी उठा लो। अब तुमने दोनों रजिस्टर उठा लिए। अब मैं बोलूं
के नेम देख के बताओ। तुम क्या बोलोगे सर, कौन से टेप, कौन से रजिस्टर में से देखूं? तुम क्या बोलोगे सर, कौन से रजिस्टर में से देखूं? मैं बोलूंगा स्टूडेंट के रजिस्टर में से देखूं। सही है, तो तुम स्टूडेंट का रजिस्टर खोलोगे और स्टूडेंट के रजिस्टर में से देखोगे। सही है, तो उसके बाद अब यहां पे जब दो टेबल हैं, क्या क्या मुस्तफा? फीस का बेटा, अभी तक तो अभी अभी तक तो हमारे पास एपटेक बंद है, तो अभी तक इसका अंदाजा नहीं है फीस का। फीस के लिए फिर बाद में डिटेल में देख लेंगे, बात कर लेंगे। अभी इसको आगे, इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। सही है, तो अटेंडेंस, अटेंडेंस में लगा लेता हूँ थोड़ी देर में। तो एक सेकेंड, मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ अभी। ओके okay। उसके बाद क्या होता है, ओवी के बारे में भी बाद में बात करते हैं, फिलहाल ये टॉपिक क्लियर कर लें सारा, फिर बाद में ये सब डिटेल से बातें करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, अब स्टूडेंट ने, अगर तुम लोगों ने दो रजिस्टर उठाए हुए होंगे तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कौन से रजिस्टर में से देखो। अगर तो तुमने एक रजिस्टर उठाया हो हाथ में और मैं बोलूं कि मुझे नाम बताओ तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हें तुम्हें अंदाजा होगा, बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। तुम उस रजिस्टर खोलोगे, उसमें से नाम देख के बता दोगे। तुम अगर, तुम्हारे पास अगर एक ही रजिस्टर होगा तो तुमसे अगर मैं कुछ भी पूछूंगा तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास से जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ वो उसी रजिस्टर में मौजूद है। पर अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ दो रजिस्टर उठा लो, तो अगर मैं तुमसे फिर कुछ पूछता हूँ तो अब कंफ्यूजन है कि मैं कौन से रजिस्टर में से कौन सी चीज मांग रहा हूँ। मैं बोलूं तुम्हें नाम बताओ, तुम्हारा सवाल क्या होगा कि सर कौन से रजिस्टर में से देख के बताऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट वाले रजिस्टर में से देख के बताओ। सही है, या इंफॉर्मेशन वाले रजिस्टर में से देख के बताओ। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब हमारे फ्रॉम ने कितने टेबल उठाए हुए थे, दो टेबल उठाए हुए थे। तो अब यही कंफ्यूजन फ्रॉम को होगी कि अगर मैं सिर्फ टेबल के नाम दे दूंगा तो फ्रॉम को यही कंफ्यूजन होगी कि मैं कौन से टेबल में से इस कॉलम को उठाऊं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट के टेबल में एस नेम मौजूद है, इसको जाके उठाओ। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट के टेबल में जाएगा सी डायरेक्ट। अब इसको पता है कि एस नेम मुझे कहां से उठाना है, स्टूडेंट के टेबल से। तो ये यहां जाएगा, स्टूडेंट के टेबल से एस नेम उठाएगा। एक सेकेंड शर्जिल, तुम्हारी सवाल, तुम्हारा सवाल सुनता हूँ, मुझे ये खत्म करने दो सवाल बस। फिर मैंने बोला एस इंफॉर्मेशन के टेबल में जाओ और वहां से ईमेल को उठा लो। ये डॉट क्या बताता है, डॉट बताता है कि उठा लो, डॉट उसके कॉलम को शो करता है। मैंने बोला कि एस इंफॉर्मेशन के टेबल में जाओ, वहां से ईमेल को उठा लो। तो ये देखो ये वाला कॉलम क्या उठा रहा है, यहां से इस ईमेल को उठा रहा है। फिर मैंने बोला कि एस इंफॉर्मेशन के टेबल में जाओ और एड्रेस को उठा लो, होम एड्रेस को उठा लो। तो ये वाला कॉलम क्या करेगा, यहां से इस इंफॉर्मेशन में से होम एड्रेस को उठा लेगा। ये चीज समझ में आई सबको? देखो नेम तो इन दोनों में अलग अलग है, नेम इन दोनों में एक में सिर्फ एक के पास है, तो फिर कैसी कंफ्यूजन। देखो नेम इन दोनों में एक के पास ही है, फर्क सवाल नहीं है। सही है, मतलब ये नहीं है कि कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये है कि अब तुम्हारे पास दो टेबल हैं, मैंने बोला नेम उठाओ, तो फ्रॉम को क्या पता कि नेम किस टेबल में मौजूद है। फ्रॉम को इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब दो टेबल्स हो जाते हैं तो वो सिलेक्ट के कमांड को, अगर सिलेक्ट में से जो भी कॉलम नेम मिलते हैं वो उसको उसी टेबल में ढूंढता है, वो उसको उसने जो सिलेक्ट किया होता है उसी टेबल में ढूंढता है। पर अगर उसके पास दो टेबल सिलेक्टेड होंगे तो मैंने बोला कि एस नेम उठाओ, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास दो टेबल है, मैं किस टेबल में ढूंढूं। तो मैंने उसे बोला कि स्टूडेंट के टेबल में नेम पड़ा हुआ है, ढूंढ लो। यहां से मैंने बोला एस इंफॉर्मेशन के टेबल में ईमेल पड़ा हुआ है, उठा लो। एस इंफॉर्मेशन के टेबल में होम एड्रेस पड़ा हुआ है, उठा लो। समझ आ गया सबको ये चीज, सबको समझ आ गई ये चीज। अब आते हैं इस वेयर कंडीशन पर। अब वेयर कंडीशन को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहां नीचे लिख लिया है। सही है, वेयर कंडीशन को मैंने यहां पे लाइन ज्यादा हो गई थी तो मैंने यहां नीचे लिख लिया वेयर कंडीशन को।
अब वेयर कंडीशन को मैंने बोला कि स्टूडेंट के टेबल में जहां पर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट के टेबल में जहां पर स्टूडेंट आईडी क्या है, जहां पर सॉरी स्टूडेंट के टेबल में जहां पर इन्फो आईडी है, ये स्टूडेंट के टेबल में जहां पर इन्फो आईडी क्या है हमारे पास, ये रही इन्फो आईडी, जहां पर इन्फो आईडी बराबर हो, स्टूडेंट के टेबल में जहां पर इन्फो आईडी बराबर हो इन एस इंफॉर्मेशन के टेबल के अंदर की एस इन्फो आईडी के, तो क्या करो वो कॉलम्स दिखाओ। इसको एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं जुमला, ये सेंटेंस ध्यान से और गौर से सुनना, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं इसे ध्यान से और गौर से सुनना। स्टूडेंट के टेबल में जहां पर इन्फो आईडी बराबर है किसके, एस इन्फो के टेबल के अंदर इन्फो आईडी के, वो कॉलम्स दिखाओ। दोनों टेबल के ऊपर उनका नाम मेंशन कर दीजिए, सर कंफ्यूजन हो रही है। ओके, नाम मेंशन कर देता हूं। ओके, मैं फिर से एक दफा इस जुमले को रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला कि एस स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के टेबल के पास जाओ, ये बोलेगा ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में से इन्फो आईडी उठाओ, स्टूडेंट के टेबल में से इन्फो आईडी उठाओ। तो इन्फो आईडी क्या आएगी, जब हमारे पास पहली रो उठेगी तो सिलेक्ट क्या करता है, ये हमारे पास क्यूरी कैसे चल रही होती है, क्यूरी रो बाय रो चल रही होती है, क्यूरी क्या चल रही होती है, एक दफा फिर से रिपीट करता हूं इसको। अब देखो फिर से सुनो, स्टूडेंट के टेबल में से इन्फो आईडी उठाओ, इसने बोला ठीक है स्टूडेंट के टेबल में से मैं इन्फो आईडी उठाता हूं, पहली दफा में ये क्या इन्फो आईडी उठाएगा, इन्फो आईडी उठाएगा वन, यहां पर क्या लिखा, यहां पर क्या इन्फो आईडी आ जाएगी, यहां पर इन्फो आईडी आ जाएगी मेरे पास वन, सही है, यहां पर क्या इन्फो आईडी आ जाएगी वन, और फिर यहां पर क्या है इक्वल, जहां पर ये इक्वल हो किसके, एस इन्फो के टेबल में से इन्फो आईडी के। अब एस इन्फो के टेबल में इन्फो आईडी कहां, जहां पर भी एस इन्फो के टेबल में इन्फो आईडी वन हो वो क्या है, वो ये वाला कॉलम है। तो जहां पर ये दोनों वन वन हो, उन दोनों कॉलम्स को साथ मिलाकर, उन दोनों कॉलम्स को साथ ज्वाइन करके मुझे दिखा दो। तो अब क्या हो जाएगा, ये रो बाय रो जब ज्वाइन होकर आएगा तो डेटा कुछ इस तरह से होगा। एक दफा फिर से सुनो, मुझे पता है, मुझे अंदाजा है तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, समझ नहीं आया, आईडी मैंने खुद ने शो नहीं करवाई बच्चा, इधर देखो मैंने सिलेक्ट में कहीं भी आईडी रखी है, कहीं भी आईडी रखी है, आईडी नहीं रखी, तो इस वजह से आईडी मैंने शो नहीं करवाई। ओके ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया, ओके वकार एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट के टेबल में से क्वेश्चन बाद क्वेश्चन करना, एक सेकंड से वेट करो ठीक है, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन तुमसे लेता हूं मैं, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट के टेबल में से इन्फो आईडी उठाओ, स्टूडेंट के टेबल में से इन्फो आईडी उठाओ, स्टूडेंट का टेबल क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में से इन्फो आईडी उठाओ, पहली दफा में जब ये रो एग्जीक्यूट होगी इन्फो आईडी क्या आएगी हमारे पास वन, इन्फो आईडी आ गई वन, फिर मैंने बोला कि जहां पर ये इन्फो आईडी, जहां पर ये इन्फो आईडी बराबर हो एस इंफॉर्मेशन के टेबल में, एस इंफॉर्मेशन का टेबल क्या है ये रहा, इसकी इन्फो आईडी के, इसकी इन्फो आईडी कहां पर वन है, इसकी इन्फो आईडी यहां पर वन है, तो यहां पर मैंने बोल दिया ये, तो इन दोनों कॉलम्स को मतलब सॉरी इन दोनों रोज को ज्वाइन कर दो, इन दोनों रोज को आपस में ज्वाइन करके मुझे दिखा दो। अब वो ज्वाइनिंग बैकएंड पे कैसे होती है, वो डेटाबेस का सर का दर्द है, वो डेटाबेस का मसला है कि वो डेटाबेस ज्वाइनिंग किस तरह से करता है, मुझे सिर्फ
सेम आईडी के हिसाब से कंडीशन देनी थी। मैंने सिर्फ कंडीशन दी, अब वो डेटाबेस ज्वाइन किस तरह से करेगा, उनको किस तरह से लेके जाएगा, वो उसका सर का दर्द है। एक सेकंड शर्जील बच्चा, तुमसे सवाल लेता हूं, सबर करो। समझ में आया वक्कार? अब नेक्स्ट टाइम के लिए चलते हैं, ठीक है सर? डन। टेबल में आईडी सेम हो तो ये लॉजिक हुई, अगर अगर से आईडी सेम हुई तो ये लॉजिक हुई। हाँ सही है। अगर पर्पस एग्जांपल भी समझ आ गई सर, टेक 100% एग्जांपल में आ जाए प्लीज, ताकि 100% अच्छा एग्जांपल भी समझ आ जाए। ओके, तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आया, पर मैं फिर भी शायद मतलब तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा, मतलब इसको इसका शॉर्ट वॉल भी बताऊंगा, वेट करो। अब नेक्स्ट वाले के लिए चलते हैं। तो अब देखो, ये वाला हिस्सा तो हो गया सिर्फ मेरे आईडी 11 के लिए, तो आईडी 11 के हिसाब से तो ये एक रो कंप्लीट हो गई। आईडी 11 के हिसाब से तो ये पहली रो कंप्लीट हो गई। अब जब सेकंड रो के लिए चल रहा होगा, तो अब यहाँ पे अब जब सेकंड रो के लिए चल रहा होगा तो अब जब सेकंड रो में तो अब यहाँ पे इन्फो आईडी क्या होगी, इन्फो आईडी होगी 2। तो यहाँ पे इस इन्फो आईडी की जगह क्या आ जाएगा, 2। और अब मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में जो भी इन्फो आईडी 2 बराबर हो, किसके बराबर हो, अब वो इसके बराबर नहीं होगी तो ये रो नहीं दिखाएगा, वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। एस इन्फो के टेबल के अंदर इन्फो आईडी के बराबर हो, तो एस इन्फो के टेबल के अंदर इन्फो आईडी कहां बराबर होगी, जहां पे ये इसके बराबर होगी 2 के, तो वो ये रो, अब इन दोनों रोज को ज्वाइन कर दो, इन दोनों रोज को ज्वाइन कर दो। तो अब वो ज्वाइन कहां से होगा, अब वो ज्वाइन किस तरह से करेगा, वो डेटाबेस का है। हाँ, आईडी हमारी इन दोनों अभी इस एग्जांपल में हमारी आईडी सेम है, पर अगर यहाँ पे मान लो आईडी हमारी होती 11 और यहाँ पे हमारी आईडी होती 12, तो यहाँ पर भी मैं 11 सेव करता और यहाँ पे भी मैं क्या सेव करता, यहाँ पे भी मैं 12 सेव करता। समझ आ गया शर्जील? अगर यहाँ पे 11 होता तो मैं यहाँ पे भी 11 सेव करता और यहाँ पे भी 12 सेव करता, फिर ये मेरी कंडीशन कुछ इस तरह से हो रही होती, तो ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट टेबल से उठकर आएगा ना, ये कॉलम तो टेबल से उठकर आएगा चाहे कुछ भी हो। तो मैंने बोला कि एस स्टूडेंट के अंदर इन्फो आईडी, जो भी स्टूडेंट के अंदर इन्फो आईडी है, तो मान लो हम पहली रो पर है, तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर इन्फो आईडी जो भी है, तो वो इन्फो आईडी क्या है, 11। तो मैंने बोला जो 11 इन्फो आईडी है बराबर होनी चाहिए एस इन्फो के टेबल के अंदर इस रो इस कॉलम के हिसाब के बराबर होनी चाहिए, मतलब एस इन्फो के अंदर इन्फो आईडी के बराबर होनी चाहिए, तो उन दोनों को क्या कर दो, उन दोनों को ज्वाइन कर दो। एक सेकेंड, उन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब ज्वाइन किस तरह से होंगे, वो हमारा डेटाबेस का सर का दर्द है। सर मकसद की एग्जांपल समझाएं। अच्छा, एग्जांपल मैंने यही बोली थी कि हम लोगों ने अभी हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास कंप्लीट रो आ गई। मैंने इसकी लास्ट टाइम एग्जाम्पल क्या आप लोगों को बताई थी कि 99% केसेस में हम लोग 1-to-1 ज्वाइन कब लगाते हैं, 1-to-1 ज्वाइन के मैं आगे भी एग्जांपल बताऊंगा, 1-to-1 ज्वाइन के आगे भी एग्जांपल में अब आगे चलें। ओके, 1-to-1 के आगे एग्जांपल हमारे ये होते हैं कि 1-to-1 का कब ज्वाइंस लगाते हैं हम लोग, एक सेकंड, हाँ 1-to-1 के जब हम लोगों को सिर्फ नेम से ज्यादा काम हो। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसकी 1-to-1 एग्जांपल अब आप लोग खुद डिसाइड करोगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, अकाउंट का और कस्टमर्स का क्या रिलेशन होगा। मान लेते हैं कि मैं दो टेबल बना रहा हूं, क्या मैं दो टेबल बना रहा हूं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड क्रिएट करता हूं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैं न्यू स्लाइड क्रिएट कर रहा हूं और एक टेबल मैं बना रहा हूं यहाँ पर कस्टमर का और एक टेबल मैं बना रहा हूं अकाउंट का, ठीक है। ये मेरा टेबल क्या है, कस्टमर का टेबल है, मैं इसकी हेडिंग यहाँ, ये मेरे पास आईडी कस्ट आईडी है और ये मेरा है कस्ट नेम, सही है। और ओके, आगे चल रहे हैं बच्चा, इसको इस एग्जांपल को एक दफा देख लो, मुझे इसका रिलेशन बताओ। और ये है मेरे पास अकाउंट आईडी और अकाउंट नंबर, सही है। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास और भी कॉलम्स हैं, इन दोनों टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा,
कस्टमर और अकाउंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? कम ऑन रिप्लाई, कस्टमर और अकाउंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? अब देखो, रिलेशन जानने के लिए एक चीज नोट करो, मैंने बोला कि आज हमारे पास कस्टमर और अकाउंट के मैंने अलग अलग टेबल बना लिए। एक टेबल है जिसमें मैं सिर्फ कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, एक टेबल है जहां पे मैं अकाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। सही है, ये टेबल है मेरे पास जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास एक कस्टमर है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा कस्टमर है, और ये मेरे पास तीसरा कस्टमर है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, अकाउंट है। अब ये मेरे पास अकाउंट का टेबल है, और एक सेकेंड, ठीक है, अकाउंट की आईडी, और अब यहाँ पे मेरे पास ये अकाउंट का टेबल है, अकाउंट आईडी 1 है और अकाउंट नंबर मान लो 00231। सही है, अब मुझे बताओ कस्टमर और अकाउंट का क्या रिलेशन होगा? वन टू वन, बिल्कुल सही शर्जील, कस्टमर और अकाउंट का रिलेशन क्या होगा, 1:1। तो अब समझ में आया इसका मतलब, इसकी जरूरत क्यों है हमें? अगर हम कस्टमर और अकाउंट का अलग अलग, अगर कस्टमर और अकाउंट को दो सेपरेट टेबल में रख रहे हैं तो हमें एक कस्टमर के पास एक ही अकाउंट हो सकता है, तो हमें ये रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग किस हिसाब से करेंगे, जिस हिसाब से मैंने ये एग्जाम्पल दी इसी हिसाब से मैं कस्टमर और अकाउंट का रिलेशन चेक करूंगा, और फिर ये देखना हो कि किस कस्टमर का, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, अब ये मुझे देखना हो कि किस कस्टमर का कौन सा अकाउंट है, तो मुझे ये क्यूरी लिखनी पड़ेगी, ज्वाइनिंग वाली क्यूरी। फिर मुझे कौन सी क्यूरी लिखनी पड़ेगी, ज्वाइन वाली क्यूरी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखें या समझ आ गया? समझ गए सब? आगे चलें। ओके ओके मुतार, मुझे ये क्यूरी बाद में सेंड करना, मैं इसको देख के आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने ये क्यूरी लिखी थी, अच्छा ये जो मैंने अभी क्यूरी लिखी थी ये थी लॉन्ग फॉर्मेट क्यूरी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं दूसरी हमारे पास, अभी जो मैंने ये क्यूरी लिखी है ये क्या है, ये लॉन्ग फॉर्मेटेड क्यूरी है। सही है, ये कौन सी क्यूरी है, ये लॉन्ग फॉर्मेटेड क्यूरी है। अब इसका शॉर्ट फॉर्मेट कैसा हो सकता है, शॉर्ट फॉर्मेट हो सकता है इसका ये वाला, मैं शॉर्ट फॉर्मेट इसका बताता हूं, यहां पे कॉपी करके पेस्ट करता हूं ताकि बड़ा दिखे आप सबको। अब ये देखो यहां पे मैंने क्या किया है, ये कौन कर रहा है, ओके सही है। अब इसको, अब ये मेरे पास शॉर्ट फॉर्मेट में क्यूरी है। अब यहां देखो मैंने क्या किया, अब यहां पर मैंने स्टूडेंट के नाम की जगह, यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था, पहले मुझे स्टूडेंट का नाम कंप्लीट लिखना पड़ रहा था। ओके जी सर, मगर क्यूरी के साथ एक एग्जांपल, ये सब चीजों के लिए हमको प्राइमरी की और फॉरेन की यूज करनी होगी, ये सब चीजों के लिए हमको प्राइमरी की, बिल्कुल बिल्कुल, प्राइमरी की और फॉरेन की के बगैर तो हमारे रिलेशन बनेंगे ही नहीं, प्राइमरी की और फॉरेन की के बगैर हमारे रिलेशन नहीं बन सकते, तो इसलिए प्राइमरी की और फॉरेन की तो हमें लाजमी यूज करनी होगी। अच्छा अब यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म कैसे है क्यूरी का, क्या किसी ने नोट किया ये शॉर्ट फॉर्म किस तरह से है क्यूरी का? नोटिस किया, समझ आ गया? अब कुछ को ये चीज समझ नहीं आई होगी, ये आई क्या है,
इस आई को हम कहते हैं एलियस। इस आई को हम क्या कहते हैं, इस आई को मैं हम कहते हैं एलियस। इसको मैं यहाँ पे ये वाला आई और ओके को पेस्ट, और ये क्या है ट्रम है, इसे हम कहते हैं एलियस। ओके आई और एस को ही मैं बता रहा हूं, आई और एस क्या है, इन्हीं के ऊपर मैं जा रहा हूं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी मैं बता रहा हूं। एलियस सही है। एलियस क्या होता है, अक्सर हम लोग निकनेम देते हैं। अच्छा, एलियस को निकनेम की तरह समझो, एलियस को निकनेम की तरह ट्रीट करो। हम सबके कोई ना कोई निकनेम होते हैं, मतलब अगर आपका नाम जैसे कि एलियस, एलियस एलियन नहीं बेटा, एलियस। एलियस क्या होते हैं, हमारे निकनेम की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कि अब देखो, स्टूडेंट इन्फो टेबल का नाम लंबा था, स्टूडेंट इन्फो टेबल का नाम क्या था, लंबा नाम था। मैंने इसे स्पेस दिया, स्पेस देके मैंने इसके आगे आई लिख दिया। मैंने बोला कि ये स्टूडेंट इन्फो के नाम को तुम जानोगे आई के नाम से, स्टूडेंट इन्फो के नाम को तुम निकनेम दे दो आई का, स्टूडेंट के टेबल को तुम निकनेम दे दो एस का। जी बिल्कुल, ये कह सकते हो, सपोज कर लिया, कह सकते हो सपोज कर लिया। समझ आया सबको? कम ऑन गाइस, ओके। तो मैंने इनको क्या दे दिया, मैंने इनको निकनेम दे दिया। तो अब निकनेम देने से क्या हुआ, मुझे यहां पर कंप्लीट STUD लिखने की बजाय मैं यहां पर खाली S लिख सकता हूं, यहां पर खाली I लिख सकता हूं, जिससे ये हो जाएगा कि मेरी क्यूरी का साइज छोटा हो जाएगा। क्यूरी का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सर अजान हो रही है, ओके सर कॉलम को सपोज कर सकते हैं? नहीं बेटा, कॉलम को सपोज नहीं कर सकते। ओके, ये सेशन एंड करते हैं, एक सेकंड, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। सर ये सेशन वैसे ही एंड हो गया है, दूसरा लगा दें? जी, सेशन एंड होने वाला है, मैं दूसरा लगा देता हूँ। और बाकी सब कहाँ गए? जी बाकी सब भाग गए और क्या, तभी तो कह रहे थे अटेंडेंस लगाओ। अभी तक जो भी करवाया समझ में आ गया? हाँ जी सर, ये तो आ गया। ये सब एलियस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ ये एलियस वाला आ गया सर। ठीक है, एलियस क्या होता है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस अक्सर करते हैं ना। निकनेम दे देते हैं ना हम लोग किसी को भी। जी मान लो कि सर, आपका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, अब आपके यहाँ नाम, एक सेकंड अजान, अब यहाँ हो रही है, ठीक भी अजान ही हो रही है सर, नेक्स्ट सेक्शन में समझा देना। जी।